हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका, आप सभी का डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज का सेशन में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है ज़िंदगी? तो जैसा कि आज हमारे मैथ्स के माकुम की सीरीज़ का डे क्या है, डे 4, क्लियर है। तो आज हम करेंगे नए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं, क्लियर है। रेडी हैं कि नहीं है? ऑलरेडी हम 3 सेशंस कर चुके हैं इस पर। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है कि नहीं लगी जल्दी से बता दीजिए। अच्छी लगे तो जल्दी से दिल दिखा दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट जल्दी से। कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी है जो अच्छी है कि नहीं है, लग रहा है आ सकता है कि नहीं आ सकता एग्ज़ाम में, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आइए देख लेते हैं फिर आज की वीडियो को, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने। रेडी हैं? रेडी तो जल्दी से रख दीजिए, सुपर डुपर रेडी। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट, चलिए। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एमसीक्यू इस टाइप में बन सकता है, ये ऑप्शंस भी गिवन है इसमें, तो आइए देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व होगा ये और क्या क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी जरूर आपको देखने को मिला पी क्यू वाला फॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता होना चाहिए हमारा लीनियर। लीनियर के लिए एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स डॉट वाई और यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स। जब हम पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का एक्स हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स और यहाँ पर था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 1x बचा, क्लियर है। कोई डाउट तो कन्फ्यूजन तो नहीं है, नहीं है, बेस्ट, वेरी गुड। चलिए नाउ अब यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 2 अपॉन एक्स हो जाएगी। जो भी y के साथ लिखा हो साइन के साथ, y का कोफिशेंट विथ साइन वो हो जाएगा p की वैल्यू, एंड q की वैल्यू जाएगी इक्वल में जो भी पार्ट लिखा हो वो होगी हमारी q की वैल्यू, क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है सर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो e p क्या भैया 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर 2 log x, 2 कॉन्स्टेंट था एंड 1 अपॉन एक्स का log x। 2 को अगर पावर में शिफ्ट करेंगे तो जाएगा log x स्क्वायर, क्लियर है। अब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, आई थिंक आपको पता होगा ये कि ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसको रफ कर देते हैं। e की पावर log e f ऑफ x, अगर इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो उसमें डायरेक्ट इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं हम f ऑफ x, क्लियर है। e log e f ऑफ x, तो इसकी डायरेक्ट प्लेस पर लिख सकते हैं f ऑफ x, तो सेम यहाँ पर e log e, एक्चुअली जब कुछ बेस नहीं हो उसका मतलब e ही होता है बेस, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, क्लियर है ये वाला पार्ट यहाँ से। नाउ फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है y आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ डी एक्स प्लस c, क्लियर है। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं, y एज इट इज़ आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन q की वैल्यू सर x आई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c, क्लियर है। अरे बोलो ना, हाँ कि ना, क्लियर है। x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं x क्यूब डी एक्स प्लस c, एक्स स्क्वायर y एक्स क्यूब पर इंटीग्रेशन x की पावर 4 y 4 प्लस c, क्लियर है। नाउ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर है। छापो एम्स, देख लेना ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन में अगर इसको मैच करेंगे तो ये आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जरूर आएगा क्वेश्चन आपका एग्जाम में, क्लियर है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, क्लियर। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया नोट, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लेट्स से ए वेक्टर आई माइनस जे एंड बी वेक्टर हो जाएगा हमारा आई प्लस जे, क्लियर है। ये गिवन हमें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन दिस, मीन्स ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो उसको किस टाइप से फाइंड करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
मीन्स जिसका जिस पर करना है, ए का बी पर करना है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, क्लियर है? मीन्स जिस पर भी करना है उसका डिटर्मिनेंट आता है, मैग्नीट्यूड आता है डिनोमीटर में, एंड आएगा ए डॉट बी, जिस पर करना है वो बाद में, जिससे करना है वो पहले आता है, क्लियर? डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो आइए लिख लेते हैं, ए आई माइनस जे आई प्लस जे अपॉन, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका बी वेक्टर का, तो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर? आई के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशेंट का स्क्वायर, आई इंटू आई 1 माइनस जे इंटू प्लस जे, तो माइनस 1 अपॉन, तो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये आ गया हमारा 0। कुछ गलत हो गया क्या? सही है, चलिए ठीक है। तो मीन्स जिससे जिस पर फाइंड करना है, इससे फाइंड करना था इस पर प्रोजेक्शन, तो पहले ये आया डॉट, फिर ये आया, जिस पर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड आता है डिनोमीटर में, क्लियर? शॉर्ट में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, चांसेस इसके कम है, बट फिर भी मैंने आपको करा दिया है, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा हो गया है कॉपी, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर से एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, जिसके टू वैक्टर्स गिवेन है हमें साइड्स के, लेट्स से एक हो जाएगा ए वैक्टर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप अपॉन बी वैक्टर, लेट कर लेते हैं इसको माइनस थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप एंड प्लस के कैप। आइए देख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस टाइप से फाइंड करते हैं जब टू वैक्टर्स गिवेन है साइड्स का, क्लियर है? दैट मीन्स इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये आई होप आपको काफ़ी अच्छे से आता होगा। डिटरमिनेंट की हेल्प से यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, एप्लीकेशन हो जाएगा डिटरमिनेंट का यहाँ पर, ये आई जे के फर्स्ट वेक्टर कोफिशिएंट आई का 1 जे का माइनस 2 के का 3 देन माइनस देन बी के लिए आई का माइनस 3 जे का माइनस 2 के का 1, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो, तो उसको मेनली करेंगे रो 1 के अलॉन्ग, तो आई एज इट इज़ ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 देन माइनस जे आफ्टर दैट 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस के 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 2 6, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 देखिए आई कैप एज इट इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस जे कैप 1 प्लस 9 प्लस के कैप माइनस 8 हो जाएगा, क्लियर है ये? माइनस 2 प्लस 8 6, 6 आई कैप 9 प्लस 1 10, तो माइनस का 10 जे कैप माइनस का 8 के, क्लियर है? ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर? टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, बट वी हैव टू फाइंड एरिया। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आता है, उसका मैग्नीट्यूड से, क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से आ जाएगा उसका एरिया। तो मैग्नीट्यूड फाइंड लेते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 का 36 10 का 100 8 का 64, क्लियर है? तो जाएगा अंडर रूट 200, और इसको हम लिख सकते हैं 10√2 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर? एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर यूनिट्स ही होगा एरिया हमारा, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करने के लिए आ सकता है या तो ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम आएगा तो डायरेक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर्स का उसका मैग्नीट्यूड, बट अगर ट्रायंगल का आता है तो उसका हाफ हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ जाए अच्छे से, क्लियर है? ट्रायंगल होगा तो हाफ हो जाएगा, और एरिया ऑफ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर है? जिससे कि आपको क्लियर रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, इसको यूनिट्स यूनिट जरूर लिखिएगा, अदरवाइज मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्लियर है? जल्दी से छापो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया कॉपी, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आई थिंक नंबर 4, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है? और ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एक पेपर अभी नॉर्मली आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा है,
इजी क्वेश्चंस आएंगे, इजीली कर लेंगे, तो इजी इजी क्वेश्चन भी थोड़े से देख लेते हैं, अदरवाइज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और इजी पता चली भूल जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए सबको साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि पेपर नॉर्मली आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा है अभी पता चला है जो कि रिसेंट न्यूज़ से कि नॉर्मली आ रहा है, कुछ इतना टफ नहीं है, क्लियर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जीरो से पाई बाई टू डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, क्लियर है। नाउ बताइए आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, जल्दी से आ रहा है तो लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर, नहीं तो फिर देख लीजिए हम कर देते हैं, क्लियर है। चलिए आ गया तो कोई अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई नहीं, तो ये देख लीजिए लेट करके हो जाएगा हमारा डेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बट हमारे पास तो साइन एक्स डी एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स के लिए निकाल लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी, क्लियर है। नाउ वैल्यूज को पुट करेंगे, बट वन मेन इम्पॉर्टेंट क्या, लिमिट भी चेंज होगी अगर आप फंक्शन को लेट करते हैं, क्लियर है। तो लिमिट चेंज होगी, तो ज़ीरो पुट करेंगे इसमें, कॉस ज़ीरो वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन, कॉस नाइन्टी ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, साइन एक्स डी एक्स की प्लेस पे माइनस का डी टी, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस को लेट किया था टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। नाउ माइनस को बाहर लिख लेते हैं, क्या बचेगा वन ज़ीरो डी टी अपॉन वन प्लस टेन टी स्क्वायर, क्लियर है। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर का डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारा टेन इनवर्स टी, क्लियर है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में था ये ज़ीरो वन, लिमिट पुट करेंगे, पहले ज़ीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स ज़ीरो माइनस टेन इनवर्स वन, क्लियर है। नाउ माइनस एज इट इज टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो, एंड ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन लिखा है, तो वन कितने पर आता है टेन में पाई बाय फोर पर, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, क्लियर है। तो हो जाएगा माइनस का ज़ीरो हट जाएगा माइनस का पाई बाय फोर, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा पाई बाय फोर, आओ क्लियर है। क्लियर जल्दी से लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर, और ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर नोट कर दें स्क्रू ऑफ, चलिए स्क्रू ऑफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है भाई, डाउट हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। प्रोबेबिलिटी का है फिफ्थ क्वेश्चन, थ्री पर्सन ए बी सी फायर अ टारगेट, फायर एट अ टारगेट इन टर्न स्टार्टिंग विथ ए। देखिए क्या है भैया, तीन बंदे हैं, इसको क्या हो गया ए बी सी, एक मिनट रुकिएगा, वन मिनट इसको चेक कर लें क्या हो गया इसको। चलिए ए बी सी तीन बंदे हैं, क्या भैया टारगेट पे क्या करना है, फायर करना है हमें एक टारगेट पर, क्लियर है। तो चांसेस तीनों को मिल रहा है, ए स्टार्टिंग हो गई, पहले ए मारेगा देन बी देन सी, लाइन से चलेगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी इस टाइप से, क्लियर है। और इनकी जो सर प्रोबेबिलिटी है हिट करने की टारगेट की, वो क्या है 0.4 0.3 0.2, क्लियर है। ये इनकी प्रोबेबिलिटी है हिट करने की, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी बताइए टू हिट्स के लिए, तीन लोग हैं चांसेस तीनों को मिलेंगे, टू हिट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, टू हिट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, देख लीजिए मतलब दो हिट होने चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सर हो सकता है ए हिट कर दे बी हिट कर दे, क्लियर, एंड सी हिट नहीं करे, तो सी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया हमने प्लस। हो सकता है सर ए हिट कर दे बी हिट नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है, और सी हिट कर दे, हो सकता है ये भी, और लास्ट क्या बनेगा, हो सकता है ए हिट नहीं कर पाए बी हिट कर दे एंड सी हिट कर दे, क्लियर है। यही हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और तो कुछ हो सकते हैं चांसेस, यही है, हो सकता है ए और बी दोनों हिट कर दे टारगेट को एंड सी नहीं कर पाए, एक एंड सी कर दे बी नहीं कर पाए, बी एंड सी कर दे ए नहीं कर पाए, यही हो सकते हैं चांसेस। आई इनकी वैल्यूज को पुट करके फाइंड करते हैं क्या है एक्चुअल में टू हिट्स के लिए प्रोबेबिलिटी। पी ए 0.4, पी वी 0.3, पी सी, देखिए पी सी में क्या है कॉम्प्लीमेंट है तो 0.2 है
हिट करने की, तो हिट नहीं करने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.2 प्लस पी ए ना, ए के हिट करने की 0.4, बी के हिट नहीं करने की तो 1 में सबट्रैक्ट हो जाएगा 1 माइनस 0.3, सी के हिट करने की 0.2, ए के हिट नहीं करने की 1 माइनस 0.4, क्लियर देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बी के हिट करने की 0.3 एंड सी के हिट करने की 0.2, क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं इनको, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0.12, यह आएगा 0.8, क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 आएगा कि 0.08 आएगा, क्या आएगा, 0.4 × 0.2 0.08, क्लियर है, क्योंकि जितने टोटल जितने डेसिमल प्लेस पहले पॉइंट है वही आ जाएगा रिजल्ट में 0.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.06 एंड इसको, चलिए कन्फ्यूज मत होइए, एक मिनट पहले ये वाली लिख देते हैं 1 माइनस 0.4 0.6, फिर ये आएगा 0.06, क्लियर है। नाउ अब सॉल्व कर लेते हैं अगेन, 12 × 8 = 96 तो जाएगा 0.096 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.056, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.036, क्लियर है। ऐड कर लेते हैं सभी को, 6 6 6 18, 8 × 1 कैरी, 10 15 18 1 कैरी, 0 0 0 1.0, क्लियर है। चेक करिए ऑप्शन में गिवन है ये हमें, ऑप्शन बी, क्लियर है। तो ये जाएगा हमारा आंसर रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी। टू हेड्स के लिए बतानी थी, तो हो सकता है ए एंड बी दोनों हेड कर दें, सी नहीं कर पाए, ए कर दें सी कर दें बी नहीं कर पाए, बी एंड सी कर दें ये नहीं कर पाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सॉल्व करके देख लिया, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस हैं बट ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर लीजिए, हो सके आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया नोट, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लेन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th है नहीं कि 6th है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -1, 2, क्लियर है। एक ही पॉइंट गिवन है एंड एक ही पॉइंट गिवन है, 5, 3, 4, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है एंड एक प्लेन है जो कि इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 0, 3 एंड 1, 1, 5 एंड 3, 2, 4। तो पहले तुम्हें इक्वेशन बतानी है प्लेन और लाइन की क्या होगी इक्वेशन अगर इस टाइप का डेटा गिवेन है और इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है, तो आइए देख लेते हैं कैसे टाइप से फाइंड करेंगे। पहले फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर है। तो ये जो लाइन की जनरल मीन्स जब हमें 2 कॉर्डिनेट्स गिवन होते हैं तब लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, x-x1 / x2-x1 = y-y1 / y2-y1 = z-z1 / z2-z1, क्लियर है। तो आइए इसमें 2, 1, 2-1 and 2 and 5, 3, 4 इनको ऐड कर लेते हैं, x1, y1, z1, x2, y2, z2, क्लियर है। नाउ वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x-2 / 5-2, y-+1 / 3-+1, z-2 / 4-2, क्लियर है। इसको नाउ सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा x-2 / 3 = y+1 / 4 = z-2 / 2, तो ये होगी भैया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर है। जब 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं जिस कोऑर्डिनेट से लाइन पास हो रही है तो उसके हेल्प से इस टाइप से फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ टाइम्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्लियर है। आइए इक्वेशन ऑफ प्लेन देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है a x-x1 + b y-y1 + c z-z1, क्लियर है। मीन्स एक कोऑर्डिनेट के लिए और डायरेक्शन रेशियोज़ के लिए फाइंड कर सकते हैं हम,
तो हमारे पास क्या भैया सर, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये वाला बेसिक वाला 2, 0, 3। इसकी हेल्प से पहले फाइंड करते हैं ए एक्स माइनस टू, बी वाई माइनस ज़ीरो, सी जेड माइनस थ्री, क्लियर इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं एक्स वाई जेड के प्लेस पर, क्योंकि पास तो कर ही रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा इक्वेशन को। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी ए प्लस बी ए बी सी के टर्म में, फिर ये वाली पुट करेंगे, देन एक इक्वेशन आएगी ए बी सी के टर्म में, फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं आइए कैसे कर सकते हैं। चलिए तो पहले पुट करते हैं 1, 1, 5। तो ए 1 माइनस 2, बी 1 माइनस 0, सी 5 माइनस 3, क्लियर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जगह माइनस का ए, ये जगह प्लस का बी, ये जगह 2c। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ये क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जगह ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर है इक्वेशन नंबर टू। नाउ थर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पुट करके, क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3, 2, 4। इसमें प्लॉट करना है फर्स्ट में, क्लियर है, ए 3 माइनस 2 प्लस बी 2 माइनस 0 प्लस सी 4 माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 2 1, 1 2 ए 2 बी एंड सी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर है, तो भी सर हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी प्लस 2c माइनस 2c इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर। नाउ एंड ये ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो पढ़ा ही होगा आपने टेंथ में, वही है ए अपॉन कोफिशेंट इंटू कोफिशेंट माइनस 1 माइनस कोफिशेंट इंटू कोफिशेंट प्लस 4 माइनस बी कोफिशेंट इंटू कोफिशेंट 1 माइनस कोफिशेंट इंटू कोफिशेंट प्लस 2 सी कोफिशेंट इंटू कोफिशेंट 2 माइनस कोफिशेंट इंटू कोफिशेंट प्लस 1, क्लियर है। तो ए अपॉन 3 माइनस बी अपॉन 3 सी अपॉन 3, क्लियर। 3, 3, 3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं ये। तो एक काम करते हैं इसको एक काम करते हैं, रुकिएगा ज़रा, थ्री से रिड्यूस कर देते हैं, तो जाएगा ए माइनस बी सी। तो यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं के, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के, बी की वैल्यू माइनस के एंड सी की वैल्यू के, क्लियर है। नाउ अब इन सभी को इसमें पुट करना है हमें, तो उसको मैं रख कर दूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली ये वाला, क्लियर, रफ कर दें इसको। चलिए रुकिए, जल्दी से रफ कर देते हैं इस वाले पार्ट को, क्लियर है। ए बी सी आ गया हमारा, वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन वन में। तो जाएगा के एक्स माइनस टू, बी माइनस के, वाई माइनस ज़ीरो तो वाई रहेगा ओनली, प्लस के जेड माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर है। के कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे ज़ीरो के साइड, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू माइनस का वाई प्लस का जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करिए इसको। इसमें एक्चुअली एक पार्ट हो रह गया इंटरसेक्शन वाला, तो उसको भी देख लीजिए आप कैसे फाइंड करेंगे। बट मैंने सर लाइन की इक्वेशन तो कर दी है डिलीट, क्या थी, चलिए देख लेते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। क्लियर, आई देख लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट और कैसे फाइंड करेंगे प्लेन एंड लाइन का। चलिए पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन और लिख लूँ, एक मिनट रुकिएगा। एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, वाई प्लस वन अपॉन थ्री फोर, जेड माइनस टू अपॉन टू, क्लियर है। ये होगी हमारी लाइन की क्वेश्चन, टू एक्चुअली है सर, जेड नहीं है, टू, ठीक है। अब लाइन की क्वेश्चन फाइंड करना है, दैट मीन्स इस टाइप से कुछ डायग्राम देख सकते हैं हम, ये प्लेन और एक ये लाइन, क्लियर है। तो इस लाइन की क्वेश्चन मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा,
तो सबसे पहले लाइन पर एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, लाइन पर एक पॉइंट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमने इसको लेट कर लिया के इक्वल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करके 3k प्लस 2, वाई की वैल्यू सर 4k माइनस 1, जेड की वैल्यू 2k प्लस 2, हाउ यही आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। अभी देखिए ये जो पॉइंट आया हमारा, कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये एक्चुअली प्लेन पे लाई करेंगे, मान लेते हैं वही पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है ये हमारा, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, तो ये प्लेन पे भी लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, ये बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो आइए प्लॉट कर देते हैं सभी वैल्यूज़ को, एक्स की प्लस पर 3k प्लस 2 माइनस वाई की प्लस पर 4k माइनस 1, जेड की प्लस पर 2k प्लस 2, क्लियर है। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको अब, और जो k के लिए फाइंड कर लेते हैं क्या आएगी k की वैल्यू, 3k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3k 2k 5 माइनस 4 के, क्लियर, एंड 2 4 माइनस 4 एंड 1 5 सर कैंसिल आउट, के की वैल्यू सर 0 आ रही है, यहाँ पर 0 ही आ रही है क्या, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ से चलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इंटू 3 0 प्लस 2 2, वाई की वैल्यू 4 इंटू 0 0 इक्वल्स टू माइनस 1, एंड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 0 प्लस 2 2, दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी है वो क्या आ जाएगा 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, क्लियर है। जल्दी से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, करिए नोट, चलिए इसको रफ करके देखें लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेते हैं क्वेश्चन आउट लास्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स, तो ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं है, क्लियर है, ये हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन यही है या नहीं है, क्लियर है, ट्रू फॉल्स कांट से पार्शली ट्रू फॉल्स, क्लियर, आइए देख लेते हैं सॉल्व करके अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है, आ रहा है समझ किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको, ये डी वाई अपॉन डी एक्स को एजिटेशन देते हैं, और यहाँ पर एक्स अगर हम डिवाइड कर लेते हैं सेपरेटली तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स 2y अपॉन x, क्लियर है, तो dy वाई अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डॉट y। तो इस पार्ट को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो ये होता नहीं हमारा सेपरेट, dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई, तो एक्चुअली ये पी वाई पी क्यू वाली टाइप की बन गई हमारी इक्वेशन, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स, q की वैल्यू 1, तो आइए फाइंड कर लेते हैं e की पावर पी एक्स तो माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो जाएगा e की पावर माइनस 2 लॉग एक्स, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने सेव इसी पे बेस्ड, याद है कि नहीं है, अगर ऐसा गिवन हो e log e और एक कोई फंक्शन हो तो डायरेक्ट फंक्शन ही आ जाएगा हमारा x पावर माइनस 2, क्लियर है ना, उसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है वाई आई एफ इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, क्लियर है, लिख सकते हैं, अरे बोलो ना, हाँ कि ना लिख सकते हैं, अरे जल्दी से बोल तो दो, वाई आई एफ क्या आया एक्स पावर माइनस टू, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू क्या आया भैया क्यू 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 अरे 1, एंड ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको न्यूटन में ले देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन तो करना ही है अभी हमें, तो जाएगा एक्स पावर माइनस टू डी एक्स प्लस सी, क्लियर है, तो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्स्टेंट अभी एज इट इज रह देते कोई नहीं, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, तो इसको यहाँ पर लेता है तो क्या हो जाएगा सर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी, पूरी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी, क्लियर है, कुछ आ रहा है इस टाइप का, हाँ सर आ तो रहा है, दैट मीन्स क्या है ये ट्रू है, मीन्स इस फंक्शन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है, क्लियर है, और के है इसमें इसमें सी है तो कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, आई होप आपको अच्छे भी लगे हों, क्लियर है,
क्योंकि नॉर्मली जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ज़्यादा टफ तो आ नहीं रहे, मॉडरेट लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए, थोड़े टफ भी कुछ, मीडियम लेवल के भी, तो जिससे कि सब कुछ कवर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ रहना जाए, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट होगा हमें कि ये कर लेती, ये कर लेती, ये कर लेती, इसलिए सब कुछ कर लेते हैं। क्लियर है? ऑब्वियस थ्योरम का डेफिनेटली मैं कहूँगा फिर से कर लीजिएगा अच्छे से, कन्फर्म में आना है, पी क्यू पर कन्फर्म में आना है, तो इन पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन पर फिक्स ही आएगा, और वो लास्ट वीडियो में देख लेंगे किस किस पर इंपॉर्टेंट है आने के लिए, जिससे कि आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करें अच्छा सा, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चैनल को लाइक कैसे करेंगे पता होगा आपको, पता है? क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।